सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। तो यार, NRACET वाली न्यूज़ आप सभी ने पढ़ ली होगी या फिर वीडियो जरूर देख लिया होगा उस बारे में, है ना। दैनिक भास्कर में अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि नेक्स्ट ईयर से CET स्टार्ट हो जाएगा सेंट्रल लेवल पर, राइट। तो अगर आपने कोई वीडियो देख ली है तो भी इस वीडियो को देखना, और नहीं देखी है तो आपको देखना ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज तभी आप ले पाओगे जब वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये CET है क्या, NRA क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं बताता हूँ। CET अगर नहीं था पहले तो क्या इसके डिसएडवांटेज थे, CET आने से क्या एडवांटेज होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिलेबस में क्या डिफरेंस आने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, क्या 2024 में सही में CET हो जाएगा, ये सारी बातें, ठीक है, आपको इस वीडियोज़ में मिलेंगी। बहुत डिटेल में चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में थोड़ी लेट जरूर लाता हूँ, पर रिसर्च करके लाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दे सकूँ, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये 2 दिन पहले आया है दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में, क्लियर है। न्यूज़ क्या है, केंद्र की नौकरियों के लिए होगा CET टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। अगले साल जो है ग्रेजुएट लेवल, जो है ग्रेजुएट लेवल मतलब जैसे आप SSC की अगर मैं बात करूँ तो CGL हो गया, राइट। बैंक में अगर मैं बात करूं तो बैंक PO हो गया, ये ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल टेस्ट जो है इनमें CET अप्लाई हो जाएगा अगले साल से, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, बट सबसे पहले न्यूज़ के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये CET है क्या, ठीक है, चलो तो मूव करते हैं। तो सबसे पहले NRA क्या है बच्चे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक एजेंसी बना दी गई है, ठीक है। NRA क्या है, एक एजेंसी बना दी गई है, राइट। और ये जो ये एजेंसी है ये आपका टेस्ट लेगी CET, क्लियर है बच्चे। तो अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि जैसे हम SSC दे रहे हैं, ठीक है, तो SSC का अगर आपको मान लो MTS का एग्ज़ाम देना है तो MTS में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो Tier 1 और एक होगा Tier 2, क्लियर है। तो इसके लिए तुम्हें अलग फीस देनी पड़ेगी, राइट। मान लो बैंक है, अब बैंक में मान लो MTS की कोई वैकेंसी निकलनी स्टार्ट होती है, राइट, क्लियर है। तो उसके लिए तुम्हें Tier 1 अलग देना पड़ेगा, Tier 2 अलग देना पड़ेगा, तो मतलब बैंक की अलग से फीस देनी पड़ेगी। मान लो रेलवे है, रेलवे ग्रुप D निकालता है, ठीक है, तो ग्रुप D के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अलग से टेस्ट देना पड़ेगा और अलग से फीस देनी पड़ेगी। बट जब से NRA CET लेने लगेगा तब से क्या स्टार्ट हो जाएगा, तब से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि 10th बेस्ड जो सारे एग्ज़ाम हैं, या फिर अगर मैं बात करूं 12th बेस्ड जो सारे एग्ज़ाम हैं, या ग्रेजुएशन के बाद जो सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ना एक कॉमन आपका CET एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब जो Tier 1 होता है ना वो एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 10th बेस्ड पर SSC भी कुछ एग्ज़ाम करवाती है, 10th बेस्ड पर बैंक भी कुछ एग्ज़ाम करवाती है, 10th बेस्ड पर रेलवे भी कुछ एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है, क्लियर है। 10th बेस्ड पर मान लो कि कोई जैसे हम ले लेते हैं FCI, है ना, क्लियर है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं जो 10th बेस्ड एग्ज़ाम करवाती है। तो अभी तक हम क्या करवाते हैं, मतलब अभी तक हम एग्ज़ाम किस तरह से देते हैं कि मान लो हमने FCI का अगर एग्ज़ाम फिल किया है तो FCI की फ़ीस अलग देंगे, क्लियर है बच्चे। तो इसका Tier 1 अलग देना पड़ेगा और फिर मेंस अलग देना पड़ेगा। SSC में मान लो जैसे MTS है तो फीस भी अलग देनी पड़ेगी, Tier 1 भी अलग देना पड़ेगा और एग्ज़ाम भी अलग देना पड़ेगा। पर CET के एग्ज़ाम के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। CET में क्या होगा बच्चे, CET में बस एक ही टेस्ट होगा 10th बेस्ड पर, ठीक है, 10th बेस्ड पर बस एक ही टेस्ट होगा आपका Tier 1। अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मतलब जो Tier 2 होगा, ठीक है, वो फिर जो इंडिविजुअल बॉडीज़ है, जैसे कि मान लो आपने Tier 1 स्टार क्लियर किया और आपकी परसेंटेज आ गई कि SSC MTS वालों ने आपको मेंस के लिए मान लो कि आगे के लिए आपको पास कर दिया, क्लियर है। तो जो मेंस जो होगा ना वो SSC जो बोर्ड है वो लेगी आपका। तो अब CET के बाद क्या होगा कि CET जो एग्ज़ाम है वो NRA लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जो मेंस है, जो इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं, जैसे SSC हो गया, बैंक के लिए हमारे क्या हो गया IBPS हो गया, ठीक है, IBPS हो गया, रेलवे के लिए क्या हो गया RRB होगा, ये अपने मेंस एग्ज़ाम अलग से लेंगे। तो मतलब Tier 1 जो है वो आपको बार बार से मतलब अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, बस एक ही 10th बेस पर Tier 1 होगा, वो एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपके जैसे जैसे परसेंटेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस के लिए बुला लिया जाएगा, अलग अलग बॉडीज़ आपको या अलग अलग एजेंसी आपको मेंस के लिए बुला लेगी, ठीक है। सेम होगा 12th के लिए और सेम होगा ग्रेजुएशन के लिए, क्लियर हो गया बच्चे। तो इसी तरह से ना जो CET का जो एग्ज़ाम होगा, जो CET का एग्जाम होगा वो साल में कई बार होगा, हो सकता है 2 बार हो,
हो सकता है 4 बार हो सकता है 6 बार हो, अगर मान लो 10th पे अलग हो रहा है, 12th पर अलग हो रहा है, ग्रेजुएशन पे अलग हो रहा है, तो 3 बार तो यही हो गया है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे, तो टीयर वन की आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो टीयर वन होगा ना, इट्स अ क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग होगा, इसके जो मार्क्स होंगे मेंस में जाकर काउंट नहीं होंगे, मेंस जो मतलब तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो मेंस पर बेस्ड होगा। अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि NRA क्या है। NRA एक एजेंसी है जो आपका CET का एग्जाम लिया करेगी, और उसके बाद अगर आप CET क्लियर कर लेते हो तो मेंस के लिए आपको SSC बैंक और RRB बुलाएंगी और ये आपका मेंस एग्जाम लेंगे। क्लियर है बच्चे? चलो आगे की बातें समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो ये बात समझ लो कि क्या है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका लेगा। क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो अभी तक हम मल्टीपल टेस्ट देते थे है ना, अलग अलग बॉडीज़ के अलग अलग एजेंसी के जो मल्टीपल टेस्ट देते थे, अब वो एक ही टेस्ट होगा, जिससे कि हम लोगों का क्या बचेगा, टाइम बचेगा। इसमें ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि CET जो है सर कौन कौन से टेस्टों के लिए होगा, तो CET होगा ग्रुप बी के लिए, ठीक है, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। क्लियर है बच्चे? अभी स्टार्टिंग में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो हमारी जितनी भी पोस्ट है उसके लिए CET का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही है, और सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब CET होगा क्या, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ये फर्स्ट लेवल टेस्ट है, ठीक है, मतलब टीयर वन है, जिससे कि हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को मेन्स के लिए, ओके, राइट। उसके बाद जो स्टूडेंट पास कर लेंगे इसको, उसको नेक्स्ट लेवल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ कि जो एक बार आप CET क्लियर करोगे तो मल्टीपल जो CET कैन टेक टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, हाँ CET का जो टेस्ट है आप कई बार देख पाओगे एक साल में। क्लियर है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आप CET क्लियर कर लेते हो तो ये वैलिड रहेगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर CET दे दिया तो आप 3 साल बाद ही दोगे, आप CET हर साल दे सकते हो, साल में 2 बार भी दे सकते हो। अब ये आता है माइंड में कि सर मान लो मैंने CET दिया 2 बार, एक बार मेरा स्कोर आया 80 और एक बार स्कोर आया मेरा 89, तो कौन सा वाला CET माना जाएगा, जिसमें आपके बेस्ट स्कोर होंगे, ज़्यादा स्कोर होंगे, ठीक है, लिखा हुआ है बेस्ट स्कोर टेकन किया जाएगा। तो इसलिए आप CET देते रहो, अपने स्कोर को अच्छा करते रहो, ठीक है। अब यही करेगा स्टूडेंट कि CET हर साल देगा और अपने जो स्कोर है CET का उसको बेस्ट करता रहेगा, ठीक है, जितना स्कोर बेस्ट करोगे, क्लियर है बच्चे, उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? चलो आगे की बातें और मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये सब बातें मैं बता देता हूँ कि अभी तक किस तरह से एग्जाम होते हैं और CET के बाद क्या डिफरेंस आएगा, मतलब क्या चेंज आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट विद मल्टीपल टीयर्स इन मल्टीपल लोकेशन। इसमें यही बता रखा है कि अभी तक क्या होता है कि जो बहुत सारी एजेंसी है हमारी गवर्नमेंट की, वो मल्टीपल्स टेस्ट लेती है टीयर वन के लिए, क्लियर है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, NRA बस एक एजेंसी होगी जो टीयर वन ले लेगी, ठीक है। टीयर वन लेने से क्या होगा, इनको टेस्ट सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक क्या है, जैसे SSC को अगर टेस्ट लेना है तो SSC सबसे पहले क्या करती है, टेस्ट सेंटर ढूंढेगी, सिक्योरिटी ढूंढेगी, सुपरवाइजर ढूंढेगी, क्वेश्चन पेपर बनाएगी, यही सब इसमें बता रखा है। नो नीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर, सिक्योरिटी, सुपरवाइजर, क्वेश्चन पेपर, सेटिंग, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। ये सब अब कौन करवाएगा, NRA करवाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी टीयर वन, ठीक है। मेंस की जो जिम्मेदारी होगी वो SSC IBPS RRB इनकी होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अभी तक तुम लोग पेमेंट जो करते हो वो अलग अलग टेस्ट के लिए देते हो, अभी पेमेंट जो है वो अलग अलग टेस्टों के लिए नहीं देने पड़ेगा क्योंकि एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। जो टेस्ट होता है वो अर्बन एरिया में होते हैं अभी तक, अब जो तुम्हारा टेस्ट होगा, मतलब अभी तक क्या होता है कि टेस्ट देने के लिए बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता है, अब टेस्ट जब CET जब होगा तो उस केस में जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर ही होंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता है, जो भी टेस्ट होते हैं वो केवल 2 ही लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, अब मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। जो टेस्ट है उसका रिजल्ट जो है वो बहुत लेट आता है, बट अब जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी होगा, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। जैसे कि रिक्रूटमेंट साइकिल क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिड्यूस टाइम इन सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं किसकी, CET के। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया होगा। ये लिखा हुआ है, टेस्ट सेंटर विल बी इन सेपरेट अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट फ्यू इन द अर्बन सिटीज, ठीक है। अभी तक क्या है, जो सेंटर्स होते हैं वो अर्बन सिटीज में, बट अब हमारे पूरे ऑल ओवर इंडियाज में जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो होंगे, मतलब तुम 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में तुम्हारा सेंटर्स होगा, ठीक है। चल
ओके नेक्स्ट, ये तो देखो तुम्हें पता ही है कि जो NRACET का जो एग्ज़ाम है वो, उसका जो सबसे पहले आइडिया है या प्रपोजल जो आया था वो 2020 में दिया गया था, और बोला गया था कि 2021 में सबसे पहले CET का एग्ज़ाम होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और देखो CET कोई नई चीज़ नहीं है, कई सालों से इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि अब 2024 में जाकर इस पर एग्ज़ाम लिया जाए। क्लियर है बच्चे? ये बेनिफिट है कि कैंडिडेट को बेनिफिट क्या होगा, एक कॉमन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिंगल फीस देनी पड़ेगी। अभी तक हमें 10 पेपर देना है तो 10 बार फीस देनी पड़ेगी, अब 10 पेपर की एक ही फीस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे? स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, सिक्योर एग्जाम प्रोसेस होगा, सेविंग होगी टाइम की, ये सब चीज़ें बता रखा है। बच्चा Tier 2 मतलब मेंस पर फोकस कर पाएगा, ठीक है। और जो स्कोर है Tier 1 का वो बहुत जल्दी जनरेट कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तुम्हें बता रखी हैं, ठीक है। जो वुमेन्स हैं राइट, वो पास में ही एग्ज़ाम दे पाएंगी, ये सब इसकी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? सो आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस में कोई चेंज आएगा क्या। मान लो अभी तक हम CET अगर हम देते हैं तो सर, अगर हम मान लो CGL दे रहे हैं, है ना, अगर हम CGL दे रहे हैं या फिर हम बैंक में PO दे रहे हैं, तो इनका जो Tier 1 होता है इसमें सिलेबस में तो बहुत डिफरेंस होता है, तो अब CET कॉमन कैसे हो जाएगा। तो बच्चे देखो CET जब होगा ना, तो ये बात तो श्योर है कि ज़्यादा सिलेबस तो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला। हाँ, पर इतना श्योर है कि 10% से लेकर 20% के बीच में आपके सिलेबस में चेंज आएगा, 10% से 20% के बीच में सिलेबस में चेंज आएगा। क्यों आएगा? देखो बैंक की, अगर मैं केवल मैथ्स की बात करता हूँ ना, क्योंकि देखो मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स के बारे में मुझे नॉलेज है ना, है तो और भी सब्जेक्ट के बारे में, बट अभी मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर मान लो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो CGL का जो मैथ्स का लेवल है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बैंक PO। तो अब क्या करेंगे यार, ये क्या करेंगे, इस लेवल को एवरेज लेके आएंगे, ठीक है। इस लेवल को एवरेज लेके आएंगे। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जैसे CGL हो गया बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है इतने सालों से, अब लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, ये बात श्योर है, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट बैंक का लिया जाएगा, कुछ पार्ट CGL का लिया जाएगा, कुछ पार्ट रेलवे का लिया जाएगा। मान लो DI का लेवल इंक्रीज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको कंटिन्यू रखो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो आप अगर CET का एग्ज़ाम आता है उससे पहले सिलेबस आएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 महीने 3 महीने का आराम से आपको टाइम मिलेगा। उस 2 महीने 3 महीने के गैप में आप उस नए सिलेबस को आराम से कवर कर लोगे, चाहे बच्चा CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे कोई बच्चा बैंक या PO की या क्लर्क की या RRB रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। वो 2 से 3 महीने में उस थोड़े बहुत सिलेबस को हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज आने वाला है नहीं, इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, सारा कुछ चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। फालतू का डर बनाया जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स कहीं अलग नहीं होती, इंग्लिश सब जगह कॉमन है। हाँ लेवल आता है, लेवल अप कर लेना यार थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के, ठीक है। चलो अब ये सब देखो जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो न्यूज़ आज आई थी, ठीक है, कि NRA अगले साल से जो सेंटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है, मतलब अभी बात हो रही है केवल सेंटर पे बेस्ड जो एग्ज़ाम है, क्लियर है, अभी स्टेट एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्ज़ाम ले सकती है। अभी ये बात भी श्योर नहीं कि लेगी लेगी, हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, क्लियर है बच्चे? मुझे नहीं लगता और कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। अच्छा एक चीज़ और है कि CET के आने से ना, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, CET के आने से क्या होगा। मान लो कि तुमने सेंटर का CET दिया, ठीक है, सेंटर का तुमने CET दिया और तुमने ये कर लिया क्वालिफाई, ठीक है। अब मान लो तुम हो यूपी के रहने वाले, तो यूपी में देखो तुम्हें पता है कि यूपी UPSSC अलग एग्ज़ाम लेती है, तो सेंटर वाला जो CET है ना वो यूपी जो स्टेट है वो भी आपका CET का जो स्कोर है उसका यूज़ करके तुम्हें मेंस के लिए बुला सकती है, ठीक है। जो CET जो आपका क्वालिफाइंग होगा वो स्टेट गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है, ये बात बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में सरकार ने दिया है कि CET का जो स्कोर है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। साथ के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है अपना, अभी तक प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हमें ग्रेजुएट बच्चा चाहिए, राइट, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ भी आपको एप्टीट्यूड एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्लियर है। तो आपका CET जो स्कोर होगा ना उस CET स्कोर को देखकर आपको जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, वो भी आपको कॉल कर सकती है, वो भी आपको सिलेक्शन के लिए बुला सकती है। या फिर मान लो CET का आपका स्कोर अच्छा है और
गवर्नमेंट की कोई अलग एजेंसी है वो भी आपको अलग या इंटरव्यू के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए मेंस के लिए बुला सकती है, तो सीईटी का बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। क्लियर है बच्चे? सो आई थिंक मैंने सब कुछ आपको इसके बारे में बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? आप बिल्कुल ही फ्री होकर कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी।